हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है दीक्षा। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हमारे अंडमान का ट्रैवल एक्सपीरियंस, प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू डू इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम हैदराबाद एट अराउंड 6 AM। हमारी पोर्टब्लेयर की फ्लाइट मॉर्निंग 8 बजे की थी, हैदराबाद से पोर्टब्लेयर वाया बैंगलोर। पोर्टब्लेयर अंडमान की कैपिटल सिटी है और यहीं पर अंडमान का एकमात्र एयरपोर्ट है। वी लैंडेड पोर्टब्लेयर एट अराउंड 1 o'clock। एयरपोर्ट से हमारा होटल 3 किलोमीटर दूर था, तो हमने वहां से कैब, Uber एंड Ola वहां काम नहीं करता है, so you have to rely on local cabs, autos and taxis. You can easily get cab and taxi outside airport in cheap rates. पोर्टब्लेयर में हमने होटल शॉम्पिन बुक किया था और ये एक 3-star होटल है। होटल पहुंचते ही हमने थोड़ा रेस्ट किया और भूख भी बहुत जोरों की लगी थी, तो हमने होटल के रेस्टोरेंट में ही लंच किया। फर्स्ट डे हम सेलुलर जेल घूमेंगे और लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, बट सिर्फ शो ही देख पाए क्योंकि वहां जाके पता चला कि सेलुलर जेल घूमने के लिए एंट्री सिर्फ 4 बजे तक ही रहती है, उसके बाद लाइट एंड साउंड शो के लिए आप वहां पे जा सकते हो। शो की टिकट बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी अंडमान टूरिज्म की ऑफिशियल साइट से। टिकट की प्राइस कुछ 300 रुपीज पर पर्सन रहती है। लाइट एंड साउंड शो में आपको अंडमान और सेलुलर जेल की हिस्ट्री पता चलेगी। सेकेंड डे हम लोग निकल गए थे हैवलॉक जाने के लिए। हैवलॉक अंडमान का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको पोर्टब्लेयर से फेरी बुक करनी पड़ती है। प्राइवेट फेरीज की आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट फेरी के लिए आपको DSS ऑफिस में ट्रैवल के एक दिन पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। हमने प्राइवेट फेरी मैक्रूज की एडवांस में ही बुकिंग कर रखी थी। सारी प्राइवेट फेरीज आपको हाडो जेटी से मिलेंगी और गवर्नमेंट फेरीज के लिए आपको फीनिक्स बे जेटी जाना पड़ेगा। और फिर क्या था, पलक झपकते ही हम समंदर के बीच नीले गहरे पानी में हैवलॉक की तरफ बढ़ चले थे। पोर्टब्लेयर से हैवलॉक का सफर कुछ 1.5 घंटे का था, बट ये 1.5 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। फेरी से उतरते ही आपको दिखेगा क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। जेटी से हमारा होटल 10 किलोमीटर दूर था, तो हमने वहां से कैब की। अंडमान आए और स्कूबा नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जाते जाते ही हमने नेक्स्ट डे के लिए 8 बजे का स्लॉट बुक कर लिया। हैवलॉक में हम TSG ब्लू रिजॉर्ट में रुके थे जो कि राधानगर बीच में है। आइए तो आपको TSG ब्लू रिजॉर्ट का टूर कराते हैं। हैवलॉक को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट वे है टू व्हीलर। रिजॉर्ट के आगे ही एक शॉप थी जहाँ से हमने टू व्हीलर रेंट से ली। पर डे चार्ज 500 to 600 में आपको मिल जाएगी। शाम में हम निकल गए राधानगर बीच में सनसेट देखने के लिए। राधानगर बीच हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ द बेस्ट बीच इन एशिया एंड 7th बेस्ट बीच इन वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन इन 2004।
आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हमारी बाकी की अंडमान ट्रिप दिखाएंगे और हमने कुछ एडवेंचरस वाटर एक्टिविटीज भी की थी, वो भी दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।